वेलकम दोस्तों, टेक्निकल एज के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आधार कार्ड से लोन कैसे लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले भी मैंने कई वीडियो बनाई हैं इस टॉपिक पे, लेकिन इस बार इसमें एप्लीकेशन में थोड़ा सा अपडेट आ गया है। तो भाई मैंने सोचा कि आप लोगों को इस टॉपिक पे दोबारा से वीडियो बना दूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने प्ले स्टोर में चले जाएंगे और यहाँ पर ये वाली जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर लें या फिर यहाँ पे किस्त सर्च करेंगे किस्त, और ये ऑटोमेटिक सामने आ जाएगी प्ले स्टोर में। ठीक है, उसके बाद इसको सर्च करने के बाद डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ से आप अपनी भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश। तो फिलहाल मैं आप लोगों को हिंदी में करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब पढ़ लेंगे, जो भी इनके रूल्स दिए गए हैं आपको सारे रूल्स पढ़ लेने हैं। ठीक है, रूल जितने भी हैं ये सब पढ़ लें पहले, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि आपको पे कैसे करना है और किस्त को कैसे जमा करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से पूर्ण करने के बाद नेक्स्ट करते चले जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम वगैरह पासवर्ड वगैरह डाल के लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है अकाउंट, आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल के ले लॉगिन कर लेना। तो मैं आप अपना लॉगिन कर लेना हूँ, उसके बाद मैं इसको लॉगिन हो जाता हूँ इससे। तो अभी मेरे नंबर पे ओटीपी जा रहा है, तो ये देखिए मेरे पास ओटीपी भी आ गया है 594-96। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आपको साइन अप कर लेना है। उसके बाद में आपको ऐसा आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो वो सेटअप कर लेंगे, लेकिन मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ आप लोगों को दिखाना है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको देखिए मैं नेक्स्ट करते जाता हूँ, अलाउ कर देना है आपको जितनी भी सेटिंग आएंगी। उसके बाद जैसे ही आपका साइन अप हो जाएगा तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो ये देखिए अभी आपके पास सामने एक क्रेडिट कार्ड बन के आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इसको हम कोई भी बोल सकते हैं। वैसे इसका यहाँ पे लिखा हुआ है AMI कार्ड, लेकिन आप इसको जो चाहे बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने लोन ले लिया। ठीक है, अगर आपको पेटीएम में करना है तो जैसे ही आपको लोन मिल जाएगा तो यहाँ पे इसकी डेट और माइनस डेट वगैरह सारी दी गई हैं, एक्टिव हो जाएगा ये कार्ड और इसमें आपको बैलेंस इस वाले कार्ड में आ जाएगा। इसमें से आप डेबिट कार्ड जैसे कैसे पैसे ऐड करते हैं वो वीडियो देख लेना यूट्यूब से, कैसे, या तो आपको आता ही होगा कि डेबिट कार्ड से पैसे कैसे ऐड करते हैं पेटीएम में या फिर कहीं भी कैसे निकालें, वो अपने पेटीएम में कर लें या फिर अपने बैंक अकाउंट में कहीं भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइप से आप ऐड कर लेंगे। और अब मेन बात है कि यहाँ से तो ये हो गया कि आपको पैसे मिलेंगे तो आप ले लेंगे, लेकिन दूसरी बात यह है कि आपको लोन लेना कैसे। लोन लेने के लिए आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शंस मिल जाएगा इंटरेस्ट कैश का, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इस पे ही हमें ओके करके यहाँ से अपने दूसरा अपडेट जो आया था वो मैं आपको बता दूँ कि पहले जो मिलता था इसमें सिर्फ 10,000, 5,000 से लेके 50,000 तक मिलता था, लेकिन अब का जो नया अपडेट है इसमें आप देख सकते हैं कि 10,000 से लेके 1.5 लाख तक लोन ले सकते हैं। पहले और पहले क्या था कि सिर्फ हम 12 मंथ के लिए ही लोन ले मिलता था, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें 12 मंथ के लिए मिलता था, लेकिन अभी यहाँ पे इसकी डेट भी बढ़ गई है। तो अभी आप देख सकते हैं 12 से बढ़ के 24 हो गया है, तो आप इसमें अभी 24 मंथ तक के लिए लोन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10,000 दिया गया, 10 का आप 20 कर लेंगे। ठीक है, तो आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे 20 कर दिया। ठीक है, अब 20 हो गया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 का हो गया 12 मंथ का ये लोन अप्लाई किया गया, और यहाँ पे इसका शुल्क होगा, मतलब कि इसका चार्ज होगा 99 रुपये, और EMI राशि होगी इसकी 2100 रुपये, मतलब कि 2100 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लिए जाएंगे इसके। ठीक
ठीक है। और बाकी की आपको जो मतलब कि 2100 रुपये जो है वो आपको पर मंथ देने पड़ेंगे 12 महीने तक। अगर आप लेते हैं 24 मंथ का तो देखिए पहले देख लीजिए कि 12 मंथ में आपको 25,203 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप 24 मंथ का ले लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा चार्ज पड़ जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 30,681 रुपये आपको देने पड़ेंगे, जिसका हर मंथ देना होगा आपको 1,278 रुपये। तो ऐसे ही आप अपने कितना भी कर सकते हैं, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितना आप करना चाहें उतना। सॉरी, 2 3 नहीं, 1 से 1.5 लाख ही मिलता है पर 10,000 से। तो आप उसको, आप मान लीजिए मुझे 10,000 का अप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है, 10,000 पे ओके करके यहाँ के ये सारे जितने भी रूल्स हैं वो सारे रूल्स पढ़ लेने हैं आपको। रूल्स पढ़ने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपको यहाँ पे आपके इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन भर ली है, नाम वगैरह, पासवर्ड वगैरह, सारी चीज़ें आपको डाल देनी है, जो जो आपसे मांगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, ये सब आपको रखने हैं अपने पास, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको सबमिट कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास क्रेडिट कार्ड का, उसका आधार कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। आपको सिंपल हम आप अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है, क्योंकि मैं लोन के लिए अप्लाई नहीं कर रहा तो इससे आगे मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, आधार कार्ड का नंबर डालना है और उसके बाद सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। ओटीपी, तो ओटीपी सिर्फ आपके उसी मोबाइल नंबर पर जाएगा जो आपके आधार कार्ड में होगा। इससे ये कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ ये बंदा रियल ही ये है, मतलब कि जो लोन ले रहा है वो खुद ही अपने ही खुद ले रहा है, मतलब कि आधार कार्ड कन्फर्म हो जाएगा उससे, ठीक है। उसके बाद आपको अकाउंट में पैसे आने के लिए 12 से 24 घंटे लग जाएंगे, जिससे क्योंकि वो सारे जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे यहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, और जब डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेंगे तब ही उसके बाद अगर आपका सारा कुछ सही रहा तो आपको जितना भी आपने लोन के लिए अप्लाई किया होगा तो वो 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।